कांकेर जिले में प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र छात्राओं ने बाईपास मार्ग पर चक्का जाम कर डाला। शिक्षा सत्र शुरू हुए 2 माह बीतने के बाद भी शिक्षक की कमी दूर नहीं होने से नाराज छात्रों ने करीब 1 घंटे तक NH 30 को जाम रखा। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। अपना भविष्य संवारने के लिए शिक्षकों की मांग कर रहे बच्चों ने चक्का जाम के दौरान समझदारी का भी परिचय दिया। चक्का जाम के बीच फंसी एम्बुलेंस और यात्री बस को रास्ता दिखाया। छात्राओं ने बताया कि शिक्षा सत्र शुरू होने के 2 माह बाद भी उन्हें विषयवार शिक्षक नहीं मिले हैं, जबकि कई बार उन्होंने शिक्षकों की मांग को लेकर आवेदन दिया हुआ है। ऐसे में उनकी पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। फिर जब शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तो पूरा कोर्स जल्दी जल्दी में पढ़ाया जाएगा और विषय को समझने में दिक्कतें आएगी। शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। हम लोग का जो है हम लोग का अटेंडेंस पता नहीं क्या हुआ। हम लोग का 2 महीने ऐसे वेस्ट हो चुका है। हम लोग के टीचर अभी तक नहीं आए हैं और अगर हमारे टीचर आ भी जाते हैं तो सर एक ऐसा होता है कि हम लोग को टीचर पढ़ा रहे हैं और साल में पता नहीं कितने बार टीचर चेंज हो जाते हैं। सर हम लोग हर टीचर के साथ कम्फर्ट नहीं समझ हम लोग नहीं समझ आता। तो फिर यही बोल रहे हैं हम लोग का। हम लोग को फर्स्ट टाइम बुलाया गया था 16 तारीख को। 16 तारीख को जबकि छत्तीसगढ़ प्रशासन का ये था कि 18 को बुलाने, हम लोग को 16 बुलाया गया। उसके बाद हम लोग को वापस फिर भेजा गया। उसके बाद हमको वापस फिर बुलाया गया सर। फिर भी हम लोग का क्लास नहीं लग रहा है और इस क्लास के चक्कर में हम लोग का 2-3 महीने खराब हो रहे हैं। हम लोग को नीट जेई का तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का सिलेबस नहीं हो पाएगा तो सर हम लोग का फ्यूचर तो खराब ही हो रहा है ना। हम लोग सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे सर। हम लोग 11 सालों के तो किसी भी टीचर नहीं आए हैं सर। हम लोग का क्लास इंगेज किया जा रहा है। दिन में 2 क्लास हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, फिजिक्स जो हो रहा है डेली हो रहा है। 9 से 10:30 तक फिजिक्स हो रहा है, 10:30 से 12 तक ना यार एक दिन बॉटनी हो रहा है, बॉटनी बायो का क्लास चल रहा है और एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। उसके बाद सर हम लोग का आधा दिन फिर वेस्ट हो रहा है और फिर हम लोग को पैसा सर हम लोग का टीचर 1 महीने के अंदर आ जाएंगे। हम लोग मानते हैं ये चीज होगा लेकिन फिर हम लोग का जो सिलेबस होगा इतने फास्ट खींचा जाएगा और उसके बाद सिलेबस हम लोग का कवर भी नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग का 11th बेस है, 11th जो बेस होता है वो हम लोग का बिगड़ जाएगा। हम लोग 12th भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे ना। हम लोग का बोर्ड अच्छे से जाएगा ना। हम लोग का ITJEE अच्छे से जाएगा। हम लोग को ड्रॉप लेने की नौबत आ जाएगी सर।